अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत रखे और सब के खैर खैरियत ही हो जी। आज काफ़ी दोपहर का टाइम हो गया है तो दो दिन शादी में बिजी रहे, तो आज ही मैं बना रही हूँ तवा कीमा। जी आज मैं बना रही हूँ तवा कीमा। उसके लिए मुझे एक चम्मच अदरक चाहिए पिसा हुआ, लंबा कटा हुआ लहसुन चाहिए एक घंटी, ये एक से डेढ़ प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ और एक पाव टमाटर। जी तवा कीमा के लिए एक तवा चाहिए हमें। इसमें डालेंगे, ये मेरे पास फ्रीज हुआ कीमा है, चिकन कीमा है, ये ले जी हमने तवे पे डाला कीमा। कीमे के बाद डालेंगे लहसुन, लहसुन के बाद प्याज, ये प्याज डालेंगे, इसके बाद अदरक डालेंगे, ये टमाटर भी साथ के साथ डाल देंगे। और इसमें मैंने डाली थी थोड़ा सा पानी डाला था, नमक मिर्च और हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च आधा आधा खाने का चम्मच था, नमक एक खाने का चम्मच था और जो हल्दी थी आधा चाय का चम्मच था। इन चीज़ों को डाल के मैं पानी भी साथ डाल के इसको ढक के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर बाद इसका ढक्कन उठा के इसको चेक करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। 5-5 मिनट के लिए इनको ज़रूर छोड़ना पड़ता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक दें हल्की आंच पे और इसका पानी खुश्क होने दें। जी अब हम इसको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे, काफी अच्छा इसका पानी खुश्क हो गया है। अब जी मैं इसमें घी भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए घी जो थोड़ा थोड़ा लहदा होने लगेगा, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला ज़्यादा डालूंगी, जिसमें मैं डालती हूँ काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ धनिया, 3 लौंग, आधा तो चाय का चम्मच लेती हूँ मैं ज़ीरा और सूखा धनिया और राई दाना 1 चुटकी, काला नमक 1 चुटकी, दालचीनी का पाउडर था 1 चुटकी और अजवाइन थी 1 चुटकी। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मैं भूनूंगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। ये मसाला जो खड़ा खड़ा मसाला है ये थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए, और फिर इसको बाद में डालेंगे दरमियान में दही, 3 से 4 पानी के चम्मच दही का वो डाल के मैंने इसको अच्छे से भूना था। ये ले जी हमारे हो गए 5 से 10 मिनट पूरे। देखिए अब दही ने भी पानी छोड़ा, लंबी लंबी काटा डालूंगी।
ये मेरे पौधे का लींबू, इसमें डालूंगी एक अदर लींबू निचोड़ के, क्योंकि ये जो कीमा होता है तवा की। थोड़ी सी मिकदार काली मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा और एक लौंग। ओहो, ये लौंग इनको अच्छे से कूट लूंगी कि थोड़ा सा मसाला बन जाएगा मेरा। मत बच गई, ये चिकन का तवा कीमा है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी घी, थोड़ा सा घी डालूंगी, थोड़ा सा जी, और ये डाल दिया। जी मेरी वीडियो अब आयशा के हाथ चढ़ गई, आयशा बना रही है जी वीडियो, देखें जी आराम से रहने देगी वीडियो को, नहीं ये जो कुटा हुआ मैंने मसाला कुटा है, ये जो मैंने मसाला कुटा हुआ है ये इसमें डाल दूंगी अब, और इसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। इस मसाले की जो स्मेल है ना वो दूसरे घर जरूर जाएगी इंशाल्लाह। अब मेरा जो कीमा हो गया है डन डन डना डन डन, इसको मैंने फुल आंच पे ये ना चूल्हा तेज कर दिया था जी, ये कोयलों की जो स्मेल आती है ओ। ये जी हो गया कीमा डन, अब इसको करते हैं डिश आउट। ये मेरा कीमा हो गया जी तैयार, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये मेरा तवा कीमा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।